नमस्कार। पीछे का एम्बियंस देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि हम फिलहाल मौजूद है एग्जीबिशन में, और इस एग्जीबिशन की शुरुआत आज से होने जा रही है, जो कि जलपाईगुड़ी रामकृष्णा मिशन के जो स्वामी जी हैं उनके द्वारा ये इनॉग्रेशन किया जा रहा है इस एग्जीबिशन की। ये एग्जीबिशन सिलीगुड़ी इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट्स एसोसिएशन के द्वारा ये एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया गया है, प्रॉपर्टी एंड बिल्डिंग मटेरियल एग्जीबिशन। और इस एग्जीबिशन का उद्घाटन जलपाईगुड़ी रामकृष्णा मिशन के स्वामी जी हैं उनके द्वारा ये इनॉग्रेशन किया जा रहा है। आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं यहाँ की। आप देख सकते हैं कि चीफ गेस्ट के तौर पर सिलीगुड़ी नगर निगम के डिप्टी मेयर रंजन सरकार और साथ ही साथ जो जलपाईगुड़ी रामकृष्ण मिशन के स्वामी जी हैं वो दोनों यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि 11 मई यानी कि आज से ये प्रॉपर्टी एंड बिल्डिंग मटेरियल एग्जीबिशन ओपन हो चुका है। आज से शुरुआत हो चुकी है, जो कि 14 मई तक चलेगा। 11 मई से लेकर 14 मई तक ये एग्जीबिशन चलेगा, जिसमें 18 स्टॉल्स लगाए गए हैं, जहाँ पर सिलीगुड़ी के जितने भी सारे रेपुटेटेड बिल्डर्स, डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, बिल्डिंग मटेरियल्स मैन्युफैक्चरर्स, रजाई के स्टॉल्स यहाँ पर लगाए गए हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इस एग्जीबिशन में जितने भी सिलीगुड़ी के जो मैन्युफैक्चरर्स और बिल्डर्स हैं, जैसे लाइक मनोकामना ग्रुप, PRM द्वारिका, MK अजय बेगुराज और MLA ग्रुप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जहां यहां पर उनके जितने भी प्रोजेक्ट है उनको शोकेस किया गया है। साथ ही साथ विभिन्न कॉर्पोरेट कंपनियों के स्टॉल्स भी यहां पर लगाया गया है। आज फर्स्ट डे है इस एग्जीबिशन का। एग्जीबिशन में आप देख सकते हैं कितना बड़ा यहां पर ऑर्गेनाइज किया गया है। एड्रेस मैं आपको बता दूं कि ये सेवक रोड के संलग्न पायल सिनेमा हॉल के बगल में ही ग्राउंड है, वहीं पर ये ऑर्गेनाइज किया गया है। तो संस्था के जो मेंबर है मिस्टर के रॉय, वो हमारे साथ मौजूद है, जिससे हम इस एग्जीबिशन के बारे में जानेंगे। हेलो सर। हेलो एवरीबॉडी। टुडे इज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट मोमेंट फॉर सिलीगुड़ी। वी आर फाइनली इनॉग्रेटेड द ग्रेटेस्ट इवेंट इन सिलीगुड़ी, क्रिएटेड क्वाचेरिया 2023। तो ये एग्जीबिशन आज से शुरू हो चुका है और हम देख रहे हैं कि बहुत भीड़ लोगों का आना भी शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे कौन कौन से स्टॉल्स लगाए गए हैं, कौन कौन से यहाँ पे देखने को मिलेगा हमें? सिलीगुड़ी के जितने अच्छे से अच्छे डेवलपर्स हैं वो सब हमारे साथ हैं, सारे स्टॉल लगे हुए हैं, साथ में बिल्डिंग मटेरियल मैन्युफैक्चरर्स कंपनी, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, उनके तरफ से बहुत बढ़िया रिस्पांस है। सिलीगुड़ी शहर में एक अलग सा वाइब्स क्रिएट हुआ है इस प्रोग्राम से। इट्स एक्सेलेंट मोमेंट। अभी प्रोग्राम का शुरुआत हुआ है, अभी 4 दिन हम लोग इस प्रोग्राम में रहेंगे, एक ही प्लेटफॉर्म में रहेंगे, एंड बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज जो है उसका इनपुट्स एंड उसको लेके डिस्कशन चलेगा। तो ये टोटल डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए जो फ्लैट खरीदना चाहते हैं, जो अपना मकान बनाना चाहते हैं, सबके लिए बहुत उपदायी है। टोटल कितना 80 से ज़्यादा हम देख रहे हैं कि आउटलेट यहाँ पर लगाए हैं? अभी टोटल जो स्टॉल हुआ है ये अप्रोक्सीमेटली 80। जैसे कि लोगों को लगता है कि यहाँ पर आने के लिए, इस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आने के लिए शायद पासेस की जरूरत पड़ेगी, तो ऐसा कुछ पासेस नहीं? एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री। एवरीबॉडी, एवरी एज 8 to 80, एवरीबॉडी इज वेलकम टू अटेंड द प्रोग्राम। आज से शुरू हो चुका है, 14 मई तक चलेगा, 12 बजे से 8 बजे तक ये एग्जीबिशन चलेगा। तो कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, इनवाइट करें? ये रोज चलेगा 4 दिन, 12 से 8 बजे तक, और आज इनॉग्रेशन से पहले हम लोग एक सोशल एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व है। लायंस टेराई के साथ में हम लोग एक ब्लड डोनेशन कैंप भी चालू किए हैं, जो अभी चालू है, जो उसमें भाग लेना चाहते हैं, एवरीबॉडी इज वेलकम। तो आप देख सकते हैं कि आज से इस एग्जीबिशन की शुरुआत हो चुकी है, जहां पर 80 से ज़्यादा स्टॉल्स लगाए गए हैं, जितने भी भवन निर्माता है, जो बिल्डर्स, मैन्युफैक्चरर्स, यहां पे उनके जो प्रोजेक्ट है उनको शोकेस किया गया है इस एग्जीबिशन में। अगर आप फ्लैट लेना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, या फिर घर के लिए फर्नीचर लेना चाहते हैं, तो आप इस एग्जीबिशन में
एग्जीबिशन चल रहा है। यदि आप भी इस एग्जीबिशन में आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पासिस की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप फ्री में यहाँ पर आकर ये एग्जीबिशन में शामिल हो सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ जितने भी स्टॉल्स हैं वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर तमाम जितने भी स्टॉल्स हैं जैसे कि मनोकामना क्रिएटर्स लैंडमार्क के स्टॉल्स यहाँ पर लगाए गए हैं, साथ ही साथ फोन इनोवेटर्स इंडिया, लोबी इंडस्ट्रीज LLP, साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि सोमानी टाइल्स बाथ फेयर के भी स्टॉल्स यहाँ पर लगाए गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्टेटस बाथ एंड किचन के स्टॉल्स भी यहाँ पे लगाए गए हैं। यदि आप घर के लिए या फिर कॉर्पोरेट के लिए आप लेना चाहते हैं कुछ, तो आप इस एग्जीबिशन में ज़रूर से आकर विजिट करें। यहाँ के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आपको यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे टाइल्स फ्रेंड्स के टाइल्स यहाँ पे मौजूद है। और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिलेनियम पोस्ट के यहाँ पे स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। Work is worship. But before we leave, let us point out everything that is evil, that is unholy, and मतलब कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा 80 से ज़्यादा यहाँ पे stores लगाए गए हैं, जहाँ पे भवन निर्माता जैसे मनोकामना ग्रुप, PRM द्वारिका, MK अजय बेगराज और MLA को पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस एग्जीबिशन में, जहां उसके प्रोजेक्ट को शोकेस किया गया है। साथ ही साथ कॉर्पोरेट कंपनियों के जो स्टॉल्स है वो भी इस एग्जीबिशन में लगाया गया है। हम आपको धीरे धीरे यहां के जितने भी स्टॉल्स हैं वो दिखाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सोनल फर्नीचर, द सुप्रीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, घर बनाने के लिए देखिए आप घर बनाने के लिए जो प्रोडक्ट आपको चाहिए होता है, जो भी मटेरियल चाहिए होता है, तो आप इसे गीता शेडर्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे 80 स्टॉल्स यहाँ पर लगाए गए हैं। प्याज नंबर 1 सीमेंट अल्ट्राटेक के भी लगाए गए हैं यहाँ पे प्रोडक्ट। NCL इंडस्ट्रीज लिमिटेड, योर रेपुटेशन इज इनवैल्यूएबल, बिल्ड इट विद इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। हिमालयन प्लाईवुड लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड के स्टॉल्स भी यहाँ पर लगाए गए हैं। हैमरो के भी यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोडक्ट यहाँ पे शोकेस किए गए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जितनी भी भवन निर्माता है उन सभी के प्रोडक्ट को यहाँ पे शोकेस किया गया है। श्याम एंड पावर लिमिटेड के भी स्टॉल्स यहाँ पर लगाए गए हैं। इंडियाज एसोसिएशन ऑफ रियल एस्टेट एडवाइजर्स सिलीगुड़ी, क्रेडाई नॉर्थ बंगाल, सिलीगुड़ी इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट एसोसिएशन, ये भी आप देख सकते हैं कि KEI वायर्स एंड केबल्स हेवल्स के भी यहाँ पे प्रोडक्ट शोकेस किए गए हैं। मतलब अंडर द वन रूफ आपको हर एक ब्रांड कंपनीज के प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाएगा इस एग्जीबिशन में। और अगर मैं आपको बता दूं कि ये एग्जीबिशन आज से शुरू हो चुका है, यानी कि 11 मई से सेवक रोड अगर आप आएंगे तो आपको पायल सिनेमा हॉल दिखेगा। तो उसके जस्ट थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे तो आपको एक ग्राउंड दिखेगा जहाँ पर ये एग्जीबिशन चल रहा है। आज से ये एग्जीबिशन शुरू हो चुका है जो कि 14 मई तक चलेगा, 11, 12, 13, 14 तक एग्जीबिशन चलने वाला है, सुबह 12 बजे से लेकर 8 बजे तक। और इस एग्जीबिशन में आने के लिए आपको कोई भी पास से कुछ भी चार्जेस पे करने की ज़रूरत नहीं है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट में इस एग्जीबिशन में शामिल हो सकते हैं। काफ़ी बड़ा ये एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया गया है और साथ ही साथ एक ब्लड डोनेशन कैंप भी ऑर्गेनाइज किया गया है, जहाँ पर 50 यूनिट रक्त संग्रहित करने का इसका टारगेट है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे बिल्डर्स सभी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि आज से एग्जीबिशन शुरू हो रहा है। ग्रैंड इनॉग्रेशन आप देख रहे हैं कि ग्रैंड इनॉग्रेशन ऑर्गेनाइज किया गया है। And give away the Antonio and the flower bouquets to our guests. तो ज़रूर से मैं चाहूँगी कि आप भी इस एग्जीबिशन में शामिल हो, इस एग्जीबिशन में आकर इंजॉय करें। We have felicitated our guest of honor. स्वामी शिव प्रेमानंदजी, द सेक्रेटरी जलपाईगुड़ी रामकृष्ण मिशन। वी विल नाउ टेक द अपॉर्चुनिटी टू फेलिसिटेट आवर अदर गेस्ट्स ऑन स्टेज। जैसा कि आप देख सकते हैं कि फलते सम्मानित कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पर। जितने भी गणमान्य लोग हैं उन सभी को तो यहाँ की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ पे जितने भी गणमान्य लोग हैं उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है इस संस्था के जितने भी मेंबर्स हैं, और इसके बाद जो रामकृष्णा के जो स्वामी जी हैं जलपाईगुड़ी रामकृष्णा, उनके स्वामी जी हमारे साथ मौजूद है। साथ ही साथ सिलीगुड़ी नगर निगम के डिप्टी मेयर रंजन सरकार भी हमारे साथ मौजूद है, और भी गणमान्य लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं जिन्हें सम्मानित किया जा रहा है फूलों का गुलदस्ता खादा पहना कर। क्योंकि आज का ये जो कार्यक्रम है, ये जो इवेंट है, बेहद ही ज़्यादा खास होने वाला है। इसके साथ ही साथ बहुत ग्रैंड भी इस एग्जीबिशन का ऑर्गेनाइज किया गया है सिलीगुड़ी इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट्स एसोसिएशन के द्वारा। ठीक है, एलिवेटर के प्रोडक्ट यहाँ पे शोकेस किए गए हैं, लोगों को के भी यहाँ पे शोकेस किए गए हैं। तो जितने भी सिलीगुड़ी के जितने भी ब्रांड हैं, जितने बड़े बड़े रेगुलेटेड ब्रांड्स कंपनीज हैं, उन सब के यहाँ पे प्रोडक्ट शोकेस किए गए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 80 से ज़्यादा आउटलेट स्टॉल्स इस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जितने भी टॉप ब्रांड्स के कंपनीज के बिल्डर्स हैं वो सभी यहाँ पे मौजूद हैं अपने प्रोडक्ट को शोकेस करने के लिए। हम ज़रूर चाहेंगे कि आप भी इस एग्जीबिशन में ज़रूर से शामिल हो। यदि आप घर बना रहे हैं, फ्लैट लेना चाहते हैं, या फिर और भी जितनी भी चीज़ें आप चाहते हैं कि आप अंडर द वन रूफ इस एग्जीबिशन में चाहते हो, हर एक चीज़ आपको इस एग्जीबिशन में मिलने वाला है। प्रॉपर्टी एंड बिल्डिंग मटेरियल्स एग्जीबिशन आज से हो चुकी है इसकी शुरुआत। 11, 12, 13 एंड 14 मई तक चलेगा ये एग्जीबिशन। मैं आपको बता दूं कि 12 बजे से, सुबह के 12 बजे से 8 बजे तक की एग्जीबिशन चलेगा। 11, 12, 13 एंड 14 सेवक रोड अगर आप आएंगे सिलीगुड़ी के सेवक रोड, तो आपको पायल सिनेमा हॉल दिखेगा। उसके बगल में ही एक ग्राउंड है, वहीं पर ये एग्जीबिशन चल रहा है। और साथ ही साथ इस अवसर पर एक ब्लड डोनेशन कैंप का भी ऑर्गेनाइज किया गया है, जहाँ पर 50 यूनिट रक्त संग्रहित करने का इनका मुख्य लक्ष्य भी है। तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप भी इस एग्जीबिशन में शामिल हो। एड्रेस मैं आपको फिर से बता दूं कि ये एग्जीबिशन चल रहा है सिलीगुड़ी के सेवक रोड में, जो पायल सिनेमा हॉल के बगल में जो ग्राउंड है, उस ग्राउंड में ही एग्जीबिशन चल रहा है। तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप भी इस एग्जीबिशन में बढ़ चढ़कर शामिल हो। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।